भाई ऐसा लग रहा है ज्यादा आगे आ गए यार, अब रोन अब डर लग रहा है यार। तो भाई अब गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। चॉकलेट आइसक्रीम इतने प्लान करने के बाद ये हमको बिरला मंदिर लेके आई है। बिरला मंदिर ऐसी बात नहीं है यार, बहुत अच्छी जगह है, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे आपसे मैं मिलवाऊंगा आपको, भालू है यहाँ पर। बताइए ये बॉय, हम आए हैं दिल्ली की फेमस जगह पे। दिल्ली की फेमस जगह पे मामू भालू के साथ फोटो खिंचवाओगे? नहीं। अरे सही लगेगा, ऊंट के साथ, दरियाई घोड़े के साथ। दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, दरियाई दरियाई जगह लग रहा है ना, कोई हल्की फुल्की जगह है तो यहाँ पे रश दिखा दूंगा मैं आपको। हल्की फुल्की जगह नहीं, दिल्ली की बहुत फेमस जगह है, वर्ल्ड की सबसे फेमस जगह। पूरी दिल्ली में वर्ल्ड फेमस है, पूरी दिल्ली में वर्ल्ड फेमस है। जैसे मैंने बताया था ना आपको इंदिरा पार्क में, शास्त्री नगर में, वैसे यही है। गाइस आ गया ये टाइगर, आओ मामू फोटो खिंचवाओ टाइगर पे। भाई यही है वो टाइगर जो बचपन से इसी टाइगर पे फोटो खिंचवाई हमने। रोन ब्रो, बैठना है क्या शेर पे? नहीं अभी मूड नहीं है। तू बैठेगा शेर पे? भाई हम तो खुद ही शेर है, हम पे बैठ जाओ। आयो आ जाओ भाई, बिल्कुल अभी अभी बैठा लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। ये तो बेकार की चीज है, मेरी इनके साथ फोटो खींच। यो ये पैसों वाला बाबा है ना, इनके साथ फोटो खिंचवाओ और अमीर हो जाओगे दो महीने में। इसमें बताया था ना एडवेंचर करने चलेंगे, तो यहाँ पर पहाड़ भी है बहुत बढ़िया बढ़िया, एडवेंचर भी हो जाएगा मामू। यहाँ पे पहाड़ है देखो, ये बहुत बड़े बड़े वाटर फॉलिंग भी होती है यहाँ पे, अभी दिखाऊंगा। ग्लेशियर आता है इसमें, मैं चढ़ के दिखा चढ़ के दिखाएगा भाई। पार्ट गैंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइनो। चलो भाई मैं पूरा बता, पूरा बता, पूरा क्या राइनो सर? राइनो राइनो क्या होता है? राइनो सोरस, राइनो सोरस। चलो भाई राइनो सोरस, डायनासोर। भीड़ लगी हुई है भाई, चल भाई तू भी पार्थ आजा, आजा आजा आगे बैठ जा ना, सिंह पे बैठ जाओ। भाई मैं भी बचपन में आता था यहाँ पर, दिल्ली वाले यहाँ पे सभी याद है वहाँ पर वो झूला है, उसमें झूलते थे हम। मेरे को लेकिन मेरे को भालू भालू ढूंढना है, मेरे को भालू कहाँ है यहाँ पे? भालू कहाँ है? भालू आ गया। चलो भालू, भालू है अपना दोस्त बचपन से, इनको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या किया जाए, इनको तो हो रहा है। गाइस राम झूला भी है यहाँ पे जो ऋषिकेश के अंदर है ना, यहाँ मिनी है भाई। एक ही चश्मा है यार, चश्मा एक्सचेंज फोटो खींचने के लिए, एक एक चश्मा है, एक ही चश्मा है हमारे पास, वो एक्सचेंज करे आ रहे हैं। खींच दे भाई मेरी भी यार, चल चल खिंचवा चश्मा दे दे भाई। देखो फिर से चश्मा मांग रहे हैं यार, ये एक चश्मा ना कहाँ, सब लोग एक एक करके फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो अब मामले ने लगा लिया। गाइस मैं कह रहा था एडवेंचर करने चलते हैं पहाड़ों पे, ट्रैकिंग करते हैं। रोन चल रहा है? चलो भाई, चले भाई। भाई आना, इसके पीछे जंगल भी है, इसके पीछे जंगल भी है, भूली बटिया है। हाँ भूली बटिया आ रही है, सच में भूत पूरा एडवेंचर करेंगे यहाँ पे। भूत भूत रहते हैं, हमको डर नहीं है, लेकिन हम इसको साथ में लेके जाएंगे तो भूतों का कोई डर नहीं है, ठीक है ना ब्रो? चलो गाइस अभी एडवेंचर करने चलते हैं। इस पहाड़ पे जा रहे हैं अब हम, ऐसे नहीं ऐसे 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 नहीं ऐसे। हाँ टिकटॉक देखो यहाँ से ना जो भी जा रहा है वो ना बिल्कुल संभल के जा रहा है भाई। भाई ब्लॉगर मैं हूँ, मैं बोल दूंगा ऐसे क्या बात हो गई। कंट्रोल कंट्रोल दे तो गाइस उसने हम चढ़ गए, दिखाए नहीं। चलो अब दिखा देता हूँ यार, चढ़ो भाई मैं नीचे से ले रहा हूँ पूरी। जी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तू को क्या पृथ्वीराज की तरह खड़ा हो गया? गाइस आज मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जिंदगी की जितनी खुशी हो रही है ना, आज फाइनली मैं एवरेस्ट पे चढ़ गया। आप व्यू देख सकते हो, मेरा ड्रीम था आपको एवरेस्ट पे चढ़ के व्यू दिखाऊं। साथ में इसको भी ले आया मैं एवरेस्ट पे, वो मामा दूसरे एवरेस्ट पे चढ़ गए। मामी जी देखो वो रही हमारी अपने फ्रेंड्स के साथ। भाई चढ़कर तो आ गए, अब देखो
रिस्क ले रहे हैं आपके लिए। आप सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो वीडियो को, करो कमेंट करो, कमेंट में नीचे कहाँ से जाना अब जी, नीचे हमको जाना है यहाँ से। मान ले बहुत टफ होने वाला, देखो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है हमारे लिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जरूर से भी जरूर। आपको ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे हम, ठीक है? तो अभी दिखाते हैं आपको भाई, यहाँ खींच लो। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में खुद सा वो छाया। क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गाइस एक आज से मामी जी को भी ले आया मैं एवरेस्ट पे, अंजलि। ये रे राहुल और ये रही अंजलि। अंजलि अंजलि तो होने रहती है। गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं इतने बजे और इतने बजे यहाँ आ रहा हूँ। क्या बोला तूने? इतने बजे और इतने बजे यहाँ आ रहा हूँ, मतलब समझ जाओ बिरला मंदिर में ही। तो मेरे सब्सक्राइबर मिलने आ रहे हैं बहुत सारे, मेरे सब्सक्राइबर मिलने आए हैं। मेरे सब्सक्राइबर कौन कौन है? मैं भाई, हम सारे हैं, ये सब है भाई। भाई आप भी हो सब्सक्राइबर, भाई ब्लॉग में आ जाओगे आप। तो भाई ये सब्सक्राइबर है आगे ब्लॉग के अंदर। और मेरी ना बैटरी ऑफ हो गई थी अभी बहुत सारे लोग मिलने गए थे, शूट करना भूल गया। बचपन वाला झूला हमको मिल चुका है भाई। देखो यहाँ पर सुजल होता था, यहाँ पार्थ होता था, वहाँ पर मैं होता था। अम्मा चले क्या, चले? रोहन मेरी वीडियो बना रहा है, कोई नहीं सुन रहा था। तो भाई पूरा केयर इस वीडियो का रोहन को जाता है। भाई वीडियो किसी की भी बनी, अब ये वापस जा रहे हैं। चलो भाई दोबारा से, इनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और बोल रहा था कि बन गई। ये वन, ये येलो वाला एंग्री बर्ड, और ये स्लो मोशन एंग्री बर्ड। और आते जाओ भाई। और ये फाइनल, और ये झूला खत्म यहाँ पे, बस इसके बाद झूला खत्म। और ये देखो यहाँ पे क्रैकर है, ब्रेकर है। गाइस अब हम आ चुके हैं चर्च में, बंगला साहिब के पास। ओए कहाँ पे आए हम बता, गाइस को बता कहाँ है? चर्च में आए हम। ये कर रहे करके दिखाओ, करो दो। गाइस यहीं से भागता है पीके आमिर खान। बताओ यहाँ पर वाइन की बोतल ले आता है? नहीं यहाँ पर क्या लिया था मामा? नारियल लेके आता था, और पूजा की थाली चर्च में। मामी जी आ गई कैमरा खुलते साइड में। अंदर तो जाने नहीं दे, अंदर तो बंद है, अंदर बंद है गाइस, अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, बंद कर रखा है यहाँ पर। तो गाइस चर्च से बाहर आ चुके हैं। रोहन भाई कह रहा है कुछ एडवेंचरस करना है, खतरनाक वाला, देख के मजा आना चाहिए। तो भाई ये कह रहा है कि भूली भटियारी चलो, वहाँ पर भूत वाली जगह है, भूत वाली वहाँ आपको दिखाएंगे हम कि क्या है माहौल, देखते हैं। मैं भूत से तो मैं डरता नहीं हूँ वैसे, लेकिन चल के देखते हैं। वहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पर भूत है, रोहन भाई कह रहा है नहीं है, पर हम जाकर आपको दिखाएंगे, देखते हैं। होगा तो आपको भी दिखा देंगे, अगर होगा तो भाई वहीं से वापसी घुमा के मोड़ लेंगे, हम अपनी गाड़ी मोड़ लेंगे। नहीं होगा कोई नहीं, चलते जाएंगे आगे जहाँ पे, कोई नहीं। ये व्लॉग आप इसके आगे डालूंगा मैं, वो व्लॉग, ठीक है गाइस? तो बने रहना वीडियो के अंदर और शेयर कर दो दबा के। सो गाइस अभी हम लोग ऐसी बात हो गई, अब ना हम मैंने आपको बोलता रोन और मैंने कि हम जा रहे हैं भूली भटियारी। और भाई रात का आप टाइम देख सकते हो, 10 बजने वाले हैं 10, और वहां पर बहुत सन्नाटा पड़ा रहता है भाई। और सच में भाई वहां की कहानियां भी है। अभी राहुल मामा मेरे को एक कहानी सुना रहे थे, लेकिन वो रुक गए, क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर तेरे को बता दूंगा ना वो रियलिटी है तो, वरना तू जा नहीं पाएगा। भाई देखो अभी तो बहुत हवाबाजी में मैंने बोल दिया कि भाई कोई नहीं चलेंगे रोहन। अभी तो रोहन हवाबाजी में बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया था। अभी हम 7 बजे जा रहे थे, मामा कह रहे थे 7 बजे क्यों जा रहे हो, जाओ तो फिर 9 बजे के बाद जाओ। तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं गाइस। भाई अगर लगेगा ना तो तुरंत वापस आ जाऊंगा, गाड़ी मोड़ लेंगे। कोई ज्यादा इतनी भी हवाबाजी नहीं दिखानी, दिल्ली से तो क्या हो गया, हवाबाजी दिखाते मतलब कुछ भी कर लेंगे, क्यों भाई? हाँ भाई, बाकी तो वैसे पार्थ भाई साथ जा रहा, भाई कुछ होने तो नहीं दोगे ना? कुछ नहीं होगा भाई, चलो बस। गाइस गाइस यार कैसे, गाइस सुनते ही नहीं है भाई, बोलू एक्साइटेड हो तब भी कुछ नहीं, क्या ही
इग्नोर मारते है भाई, इग्नोर जाने के देखो देखो बिल्कुल डर लग रहा है भाई, भाई मिल छोड़ा भी हो रहा है जिस तरीके का है ना, तो उस तरीके का डर तो बने भाई थोड़ा सा ना यार, पर हम एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे कोई बात नहीं। अच्छा रुक तो जा भाई, मामा ने ना माहौल ऐसा बना दिया, एक कहानी बताई और उस पे रुक गए, सस्पेंस छोड़ दिया, तो वो ना थोड़ा सा सब शांत से हो गए। तो भाई अभी चल रहे हैं, चलो गाइस चलते हैं। गाइस भाई कुत्ते अभी से क्यों भोग रहे हैं भाई, तो ऐसा लग रहा है 12 बज रहे हैं, 12 भी नहीं बजे भाई अभी, तो माहौल हमारे को डराने वाला हो गया है। अरे कुछ नहीं होता भाई, डोले क्यों बनाए भाई, डोले क्यों बनाए है ना भाई। भाई बात ऐसी है, रोहन और मैं ही जा रहे हैं सिर्फ, सुजल और पार्थ ने तो मना कर दिया, लेकिन भाई अब हमने बोल दिया ना वीडियो के अंदर, तो भाई चाहे थोड़ा सा ही जाए लेकिन हाँ, जाएंगे जरूर, आपको सिर्फ दिखा देंगे, दिखाना जरूर है, लेकिन भाई मामा वामा ना वो देखो वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया तुरंत, पता नहीं इनके क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया ना टाइम। और गाइस भाई ये हमारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे ना, मम्मी मम्मी बुआ वगैरह जो भी देख रही हो, वो भी कह रही होगी कि मत जाता, क्यों जा रहे हैं अकेले, लेकिन थोड़ा सा एडवेंचर तो यार होना चाहिए ना। देखो वो लोग कैसे बैठे हुए, ऑल द बेस्ट बोल रहे थे कह रहे देखते कहाँ तक जा पाएंगे, अबे भाई देख लेंगे जाएंगे भाई है ना जाएंगे। चलो भाई भाई देखो जा रहे हैं, अब अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, 10 से ज्यादा का टाइम हो गया, मैं आपको टाइम भी दिखा दूंगा रोहन के फोन में, ठीक है ना भाई। धक तो पता नहीं क्यों हो रही है यार, ऐसा लग रहा था, लेकिन भाई सच में होता है, बट जा रहे हैं बहुत हिम्मत। रोहन एक बार रोड दिखा दे गाइस, रोड देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, खाली इस गाइस देखो चेक पोस्ट भी लग गई, टाइम देख लो आप कितना हो रहा है, तब भी हम रिस्क पे जा रहे हैं। प्लीज इसी बात पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों को, हम इतना रिस्क ले रहे हैं ना, तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आ चुके हैं भाई हम लोग यहाँ पर गोली बटियारी, भाई सन्नाटा हो रहा है भाई, कसम से रोन एक बार सन्नाटा देखा, सन्नाटा देखा गाइस देखो भाई, बहुत भाई गंदी वाइब आ रही है, लेकिन गाइस रोहन भाई क्या करना है, गाड़ी मोड़ लो, क्या है हैं भाई गाड़ी क्या है वो, क्या है ये वो गाड़ी, अबे कुछ नहीं है ऐसी है भाई साहब, किताब बेकार लग रहा है, सही हो आगे मेरी तरफ कर, मेरी तरफ गाइस हेलमेट गिर गया इसका, वैसे इतनी हालत टाइट हो रखी है, इसका हेलमेट और गिर गया भाई, आवाज आ रही है भाई, दो भाई आप यहाँ की हिस्ट्री और बता दूं भाई, यहाँ की हिस्ट्री है, यहाँ थिएटर चल गया था और वहां पर लोग मर गए थे भाई, तो भाई अब नहीं भाई ऐसा लग रहा है ज्यादा आगे आ गए हुए, कर दो अब आगे गाइस, यार अब रोन अब डर लग रहा है यार, अब तो भाई अब गाड़ी मोड़नी पड़ेगी वो क्यों भाई, बाइक से आगे नहीं जाया जा रहा, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ी वाइब आ रही है, बहुत तगड़ी वाइब आ रही है भाई बहुत तगड़ी, जिसको कहते हैं ना अलग ही, मतलब भाई भाई वापस मोड़ ली भाई, भाई कैमरा पता नहीं बार बार अपने आप ऑटोमेटिक कैमरा ऑफ हो जा रहा है, रोन ये क्या है भाई, क्या भाई वो ये क्या था भाई, ये क्या थी भाई, ये पहले निकला जब हम वापस गए थे भाई, अभी तो नहीं मिली थी तेरी, कुत्ते पीछे पड़ गए भाई, तो भाई क्या करा दिया ये भाई, भाई भाई क्या था वो भाई, पता नहीं सच में नहीं पता, जब हम स्टार्टिंग में आगे रुके थे ना तो हमको लगा पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा कोई बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना स्मैक ही होते हैं, मतलब जो होते हैं ना चरस गांजा पीते हैं,
वो लोग ज्यादा होते हैं यहाँ पर, वो लूटामारी कर देते, लूटामारी कर देते, मेरे को लगा वो है। हम थोड़ी और आगे गए, कैमरा अपने आप ऑफ हो रहा। रोहन कह रहा भाई मैं कर ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं रहा। और भाई सच में वीडियो के लिए, वीडियो के लिए नहीं बोल रहा। हाँ भाई, भाई रोंगटे देखो, रोंगटे खड़े हो गए थे, वाइब ना गंदी आ रही थी भाई। मतलब माहौल देख रहे हो आप कि कैसा देख लगा। और चक्कर ये है गाइस, आए सिर्फ मैं और रोहन है। हाँ। अगर साथ में मामा और सुजल वार पार्ट होते ना, थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता, थोड़ा सा हौसला बढ़ता। सिर्फ है ही दो और कोई है ही नहीं, कोई यहाँ पर नहीं है। पूरा आपने देख रहा होगा गाइस, पूरा शांत पड़ा हुआ है। गाइस यहाँ की हिस्ट्री है, यहाँ पर थिएटर जल गया था तो थिएटर में जितने भी लोग थे वो मर गए, सारे मर गए थे भाई। भाई इससे आगे तो भाई, इसलिए मैं इससे आगे नहीं गया क्योंकि यहाँ तक आया हूँ भाई। रोहन का फोन आ गया, ऐसा लग, पता नहीं ऐसा लग रहा है पीछे से कोई है, बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन पता नहीं हमारी वाइब है या पता नहीं क्या है। Hello? भाई एक सेकंड रुक जाओ, उसका कॉल आ रखा है। हेलो वो भाई, भाई अचानक क्या फोन आ गया, वो भाई ट्रक आ रहा है। ट्रक जैसे स्टार्ट हुआ हमारी दिल में धक हो गई। ओ वाह, भगवान कसम। देखो हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, बोरी वो हनुमान जी की मूर्ति है फैज रोड पे, आप जानते हो। ऑटोमेटिक अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हमने सिर्फ अपने आप स्टार्ट हुई है, अपने आप बाइक स्टार्ट हो गई। हाथ में मेरे कैमरा है भाई, अभी घर जाके ही बात करता हूँ बस। यहाँ से अभी चलते हैं रोहन, ठीक है ना, चलते हैं भाई अब। लेकिन भाई ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो चीज थी ना, मतलब जब हम गए हमें लगा कुछ महके बैठा है, लेकिन फिर थोड़ी सी आगे आगे जा रहे तो कुछ भी नहीं। पता नहीं हमारी वाइब थी या क्या था, हमें ऐसा लग रहा, डर लग रहा था। बट सच में गाइस घर पे चल के बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी यहाँ से निकलने का मन कर रहा है बस, अभी यहाँ पे इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नदी। बाकी भूत भूत से आपको देखा है, डरते तो हम है नहीं आपके लिए, हम गाइस इतना आगे चल के गए हैं। लेकिन गाइस अगली बार आएंगे, अगर इस वीडियो को आप शेयर करोगे ना ज्यादा से ज्यादा और कमेंट में करोगे तो गाइस सच में बोल रहा हूँ इस बार राहुल मामा वगैरह के साथ आएंगे, साथ आएंगे और अंदर तक जाएंगे जहाँ तक थिएटर जला था ना। अगर इस वीडियो पे 1000 से ऊपर या 2000 से ऊपर व्यू आ गए ना और आप लोगों ने शेयर करा और कमेंट करा ज्यादा से ज्यादा तो हम पक्का चलेंगे। अभी घर चलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। गाइस देखो टाइम 11 बजने वाले हैं, 11 मैं टाइम दिखाना भूल गया था, इसलिए अभी मेरा पीछे फैज रोड पीछे ही है हनुमान की मूर्ति, स्पेशली रुकाऊंगी टाइम दिखा दूं, कभी आपको लगे 8 बज रहे होंगे। टाइम देखो गाइस, अभी घर चलता हूँ फिर बताता हूँ, मैं स्पेशली रुकाऊँ ताकि आप लोगों को झूठ ना लगे। सो गाइस फाइनली हम वापस आ चुके हैं। देखो गाइस भूत भूत तो कुछ भी नहीं था, बस हम डर बस हम डर का माहौल हो गया था, डर का माहौल हो गया था। सच में भूत भूत तो कुछ भी नहीं था, बस भाई मारी थी वो हमारी थिंकिंग थी, इधर को ये उधर को ये, बाकी भूत भूत कुछ नहीं होता। बाकी डरते तो हम किसी भूत से है ही नहीं, वो वीडियो में आपको दिख गई होगी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रहे थे लेकिन भाई दो जने थे हम, इसलिए हम आगे तक नहीं गए। अगर हम दो से ज्यादा होते ना तो हम और आगे तक जाते, देखते कि क्या है, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। हाँ भाई बस अगर, हाँ अगर ये वीडियो आपने अच्छे से लाइक करी ना, शेयर करी, कमेंट करे, कमेंट में मेरे को बताना तो पक्का चलेंगे, पक्का और लोग चलेंगे भैया साथ में भैया भूली बटियारी गयो सुननी नहीं रहे भूली बटियारी अरे भूली बटियारी भाई मैं ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, वो अंकल जानते नहीं कहीं वो भूत से डर जाए, रात कड़ाई मैसेज हो रहा है भाई, पोस्ट कर दे अब। गाइस वापस आ चुके हैं मामा के घर पे अपने, तो आप लोगों ने देखा जो भी रिएक्शंस थे रोहन, रोहन को इतना पता नहीं चला जितना मेरे को पता चला। क्यों? क्योंकि रोहन के हाथ में था कैमरा, कैमरा था रोहन के हाथ में, तो रोहन को पता नहीं चला जो, क्योंकि और मैं कैमरे में नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था सामने, इसलिए मेरे को वाइब आ रही थी,
डर मतलब वही है यार, दिमाग में आता ही है। मैं चला रहा हूँ भाई, रोहन इसमें रोहन ये भी डर रहा था कि फोन ना गिर जाए, कैमरा ना गिर जाए, है ना रोहन, यही था ना, इसलिए रोहन के फेस पे इतना वो नहीं दिखा, इसलिए मेरे को आसपास का था ना, इसलिए मेरे को दिख रहा था। बट कोई भी नहीं यार, देखो होती तो भूत प्रेत पता नहीं मेरे साथ, मैं तो मानता नहीं हूँ, बट जैसा भी है आप लोगों ने देखा। अगर हाँ, इससे आगे जाने में डर लगा था क्योंकि ऐसा लग रहा था वहां पे स्मैक ये भी होते ना, मतलब जो जो गंदी हरकत करते हैं, चरस गांजा पीते हैं, लूट पार्टी करते हैं, मतलब ब्लेड ब्लेड चला देते हैं, तो उनसे भी डर लग रहा था कि वो ना हो पकड़ ले, इसलिए हम वहां से गाड़ी हमने मोड़ ली। तो मोड़ ली फिर, अब अगर हाँ इस वीडियो पे अगर अच्छे कमेंट आ जाएंगे ना गाइस, तो हम पक्का 100% जाएंगे, क्यों भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक थिएटर चला था ना यहाँ पे, थिएटर तक दिखाएंगे, थिएटर तक आएंगे वापस। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दबा के शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो वीडियो में, अगर मजा आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।